नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, टाइम यहाँ पर हमें दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज है 328 रुपये और साधारण ब्याज है 320 रुपये। ठीक है, और हमें ब्याज की दर निकालना है, यानी रेट हमें निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान रख के जब रेट निकालना हो, समय 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और हमारे पास साधारण ब्याज दिया गया हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे हाफ ऑफ साधारण ब्याज गुणे 100%। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है कि सी आई माइनस एस आई बटे 1/2 SI गुणे 100%। यहां लगा देंगे सी आई की वैल्यू है 328, एस आई की वैल्यू है 320 भागे 1/2, इसकी वैल्यू है 320 गुणा 100%। अब यहां घटा देंगे, 328 में से 320 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 2 से कट करेंगे तो 160 बचेंगे गुणा 100%। 8 से करेंगे 8 × 2 = 16, 20, 20 से करेंगे 20 × 5 = 100। तो यहां दर कितनी निकल के आ गई, दर आ गई 5%। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेट बराबर सी आई माइनस एस आई बटे हाफ ऑफ एस आई गुणे 100%। ठीक है, जब समय 2 वर्ष हो, इसकी लिमिटेशन यह है कि समय 2 वर्ष रहना चाहिए और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो तो हम रेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।